नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिजिटल वन ईयर कैलिपर के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है हार्दिक, आप देख रहे हैं एचपी टेक एंड मैक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर एक डिजिटल वन ईयर कैलिपर रखा हुआ है, तो मैं कैमरा जूम करता हूँ तो आपको देखने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। और अभी ऐसे इसे यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये एक ब्रांड न्यू डिजिटल वन ईयर है, डिजिटल वन ईयर कैलिपर है। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें बाकी दोनों वन ईयर की तरह ही ये जो है वो फिक्स जो होता है, उसके बाद में ये एडजस्टेबल जो होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें जो नया है वो एक चीज़ ये है कि यहाँ पर एक डिस्प्ले दिया गया है और उसके अंदर कुछ आपको रीडिंग दिखाई दे रहा है, मतलब कि कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये स्केल मूव करती है तो वो चेंज होता रहता है। उसके सिवाय यहाँ पर ये आपको एक बटन दिया गया है जिसका यूज ऑन और ऑफ़ करने के लिए, क्योंकि डिजिटल आइटम है तो ये ऑन ऑफ होती है, तो ऑन और ऑफ होने करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया गया है। उसके बाद में ये प्रीसेट करने के लिए, मतलब अगर गलती से कहीं पर हमारा और हमारा वन ईयर अगर कहीं बीच में बंद हो जाता है तो अभी हम यहाँ से इसको ऐसे ज़ीरो करेंगे तो ये हमें गलत डायमेंशन दिखाएगा। जो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये माइनस में 61.16 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये असल में ज़ीरो है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें यहाँ पर इसको लाना है, उसके बाद में यहाँ पर अगर कोई डस्ट है तो उसको पहले साफ़ करना है और उसके बाद में हमें इसको पूरा बंद करना है। पूरा बंद करने के बाद में ये बटन दबाने से इसकी जो मेमोरी है वो ज़ीरो हो जाएगी और ये फिर से काम करने लायक हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो लॉकिंग शुरू दिया गया है वो आगे के दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया इसका, और यहाँ पर ये जो है वो फाइन एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, तो इससे आप ये कर सकते। और यहाँ पर ये जो एक बटन दिया गया है इसके ऊपर यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है वो दोनों डायमेंशन का माप ले सकता है, मतलब ये mm में भी चलता है और इंच में भी चलता है, मतलब ये इंपीरियल और मैट्रिक दोनों में आपको डायमेंशन दिखा सकता है। तो अगर ये एक बार हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इंच लिखा हुआ आता है डिस्प्ले में, और दूसरी बार हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो mm लिखा हुआ आता है, मतलब अभी हमारे को यहाँ पर जो भी डायमेंशन देखने को मिलेगा वो mm में होगा। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जो डायमेंशन हमें मिलेगा वो में मिलेगा। और यहां पर आपको एक ओपन लिखा हुआ इंडिकेटर दिखता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ये सेल से चलता है। तो इसके अंदर इसको चलाने के लिए या इसको पावर देने के लिए एक बटन सेल रखा जाता है, वो मैं आपको यहां पर खोल के दिखाता हूं। यहां पर ये एक बटन सेल लगा रहता है, तो ये जो सेल है वो ये इस वन ईयर को चालू रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके सिवा हाँ, यहाँ पर एक रबर का सील दिया गया है, वो ऑयल इसको वाटर सील बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर ये कभी पानी में गिरती है या फिर इसके ऊपर पानी जाता है तो ये पानी इसके सर्किट में जाने से रोकता है, इसके लिए यहाँ पर ये सील दिया गया है। और इसके सिवा इसके अंदर एक सर्किट दिया जाता है जो कि इसको मेज़र करता है। बाकी यहाँ पर ये जो प्रिंटेबल सिंपल मेन स्केल दिया हुआ है, इसमें ऊपर की तरह मैट्रिक का माप दिया है और नीचे की बाजू में इंपीरियल का माप दिया गया है। ये जो लिखा हुआ है 3456 ए इंच है, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो mm का माप दिया गया है। और यहाँ पर एक जो सॉकेट दिया गया है आप देख सकते हो, तो इसका यूज ऐसे होता है कि इसको हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कि पहले ये जो डायमेंशन है वो ये होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन है वो यहाँ और यहाँ इसके बीच में होना चाहिए। तो इसकी वजह से अगर कंप्यूटर में से हमें इसके अंदर कुछ डेटा फीड करना है या फिर इसमें से कुछ डेटा हमें कंप्यूटर में डालना है तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर एक माइक्रो USB का सॉकेट दिया गया है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत पानी भी गिरता है तो ये इंस्ट्रूमेंट अपना काम करना नहीं छोड़ता है और आपको सही माप दिखाता रहता है। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल मेजरमेंट करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको एक बार ये जो स्केल है एडजस्टेबल, इसको आपको पूरा बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद अगर यहाँ पर कोई एरर आपको दिखता है तो आपको उसे पहले ज़ीरो करना है, उसके बाद ही इसका मेजरमेंट शुरू करना है। तो यहाँ पर ये जो जॉब रखा गया है उसका अभी हम डायमेंशन लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो है वो हमें डायमेंशन दिखाई दे रहा है, ये जो डायमेंशन है वो mm में है, 29.93 mm। तो ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में। अभी जनरली सारी कंपनी में इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिससे डायमेंशन में एक्यूरेसी भी मिल सके और नापने में भी हमें ईजी हो।
अभी हम इसका आईडी भी चेक करते हैं। तो इसका जो आईडी है वो यहाँ पर दिखाया जाता है डिस्प्ले के ऊपर 12.98 mm। और इसके बाद में हम ये जॉब की लेंथ या थिकनेस देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है 12 mm। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी, जो भी नॉलेज दिया, उसमें आप सबको पता चला होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।